हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टोक्यो पैरालंपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके आने वाले सारे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत जुड़े रहें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह है टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 का आयोजन किस देश में हो रहा है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, सिंगापुर या फ्रांस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 का आयोजन जापान में किया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक खेल में कितने खेल खेले जाने हैं? ऑप्शन है 20, 21, 22 या 23। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि इस बार टोक्यो पैरालंपिक में टोटल 22 खेल खेले जाने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का कौन सा संस्करण टोक्यो में आयोजित हो रहा है? ऑप्शन है 13वां, 14वां, 15वां या 16वां। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16वां। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, हाल ही में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का 16वां संस्करण टोक्यो में आयोजित किया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों का शुभंकर क्या है? ऑप्शन है मिराइतोआ, सुमाइटी, विनिसियस और टोमो या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमाइटी। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों का शुभंकर था मिराइतोआ और टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों का शुभंकर है सुमाइटी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत के कुल कितने एथलीट भाग लेंगे? ऑप्शन है 54, 55, 56 या 57। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 54। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत के कुल 54 एथलीट भाग लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक खेलों का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन है यूनाइटेड बाई इमोशंस, हार्ट इन गेम्स, स्प्रिट इन मोशन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्प्रिट इन मोशन। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक खेलों का मुख्य आदर्श वाक्य है स्प्रिट इन मोशन, अर्थात आत्मा में गति। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 पैरालंपिक किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो, पेरिस, बीजिंग या रोम। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, रियो डी जेनेरियो। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि 2016 में पैरालंपिक खेलों का आयोजन रियो डी जेनेरियो में किया गया था। और साथ ही फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि 2016 में जो रियो में पैरालंपिक खेल का आयोजन किया गया था वो पैरालंपिक का 15वां संस्करण था। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है चीन, इटली, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले एथलीटों की संख्या के मामले में सबसे बड़ा दल किस देश का है? ऑप्शन है ब्राजील, अमेरिका, चीन या जापान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले एथलीटों की संख्या के मामले में सबसे बड़ा दल ब्राजील का है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि ब्राजील से टोटल 253 एथलीट पार्टिसिपेट किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक हुआ? ऑप्शन है 20 अगस्त से 1 सितंबर, 24 अगस्त से 5 सितंबर, 22 अगस्त से 3 सितंबर या 23 अगस्त से 2 सितंबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अगस्त से 5 सितंबर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को ध्वजवाहक बनने वाला खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन है निषाद कुमार, सुमित, अंतिल मरियप्पन, थंगावेलु या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मरियप्पन थंगावेलु। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु बने थे। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है ऊंची कूद, बैडमिंटन, ताइक्वांडो या जैवलिन थ्रो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंची कूद। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत के ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद से संबंधित हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अस्थिरता और हिंसा के कारण कौन सा देश टोक्यो पैरालंपिक 2020 से हट गया है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान या ब्रिटेन। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि अस्थिरता और हिंसा के कारण अफगानिस्तान देश टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पार्टिसिपेट नहीं किया।
चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आधिकारिक पैरालंपिक खेल किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1945, 1950, 1955 या 1960। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1960। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि आधिकारिक पैरालंपिक खेल का आयोजन 1960 में किया गया था। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है अनुराग सिंह ठाकुर, नरेंद्र तोमर, राजनाथ सिंह या अमित शाह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुराग सिंह ठाकुर। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा खेल मंत्रालय के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक का थीम गीत कर दे कमाल तू को लॉन्च किया है। और साथ ही में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि इस गीत के लेखक और संगीतकार संजीव सिंह हैं जो कि लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। चले फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में कुल कितने देश शामिल हुए हैं? ऑप्शन है 163, 150, 133 या 100। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए 163। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में कुल 163 देश शामिल हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 खेलों में भारतीय एथलीट कितने खेलों में भाग लिए? ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 खेलों में भारतीय एथलीट टोटल 9 खेलों में भाग लिए। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 खेलों में 2000 से कितने एथलीट भाग लेंगे? ऑप्शन है 4300, 4400, 4500 या 4600। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी लगभग 4500। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 खेलों में 2000 से टोटल लगभग 4500 एथलीट्स भाग लेंगे। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल कितने मेडल दिए जाएंगे? ऑप्शन है 240, 340, 440 या 540। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी 540। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल 540 मेडल दिए जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रियो पैरालंपिक 2016 में सबसे ज्यादा मेडल किस देश ने प्राप्त किया था? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, इटली या ब्रिटेन। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए चीन। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि रियो पैरालंपिक 2020 में सबसे ज्यादा मेडल चीन ने प्राप्त किया था। थैंक यू दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने आपको टोक्यो पैरालंपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया, आप जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।